देश के अंदर दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, 190 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। लोगों में इस बार जैसा जोश होना चाहिए वैसा जोश नहीं है। पोलिंग परसेंटेज दोनों चरण के जो जानकारी अभी तक नतीजे आए हैं सामने, उसमें कम हुई है, कम वोट डले हैं। कम वोट क्यों डले हैं इसके ऊपर तरह तरह के आंकलन लोग कर रहे हैं, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा इसके एनालिसिस लोग कर रहे हैं। हम एक वीडियो आपको एक सुनाते हैं, पहले ये सुन लें उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तय आपको करना है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। जो साहब ये बोल रहे हैं ये भारत के इस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। ये वही शख्स है जो दिल्ली के दंगों के वक्त सड़कों पर खड़े होकर के नारे लगा रहा था, गोली मारो। आपको जानकारी है बाकी ऐसे शब्द हैं जो नहीं दोहराए जाते हैं। सीधे सीधे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नफरत के नाम पर एक तरफा कैंपेनिंग हो रही है एनडीए गठबंधन की तरफ से। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इटावा में थे, वहाँ उन्होंने लोगों से जनता से जब संबोधन किया तो कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को वोट दोगे या राम मंदिर बनाने वालों को। चुनाव आयोग से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो कोई कार्रवाई इस तरफ करेगा या करने की कोशिश कर सकता है या करने की हिम्मत दिखा सकता है। आम आदमी पार्टी का जो सॉन्ग है इलेक्शन कैंपेन को लेकर के, उसको आज बैन कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। दो चरण के जो चुनाव हुए हैं उनकी जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा। एनडीए गठबंधन को एक तो परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो कम हुआ है, दूसरे एक बहुत अहम जो इशू है वो है संविधान को ख़त्म करना, संविधान को बदलना। ये नीचे तक जा चुका है, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इलेक्शन का। एनडीए गठबंधन की तरफ से एक ही मुद्दा है, एक ही व्यक्ति है, सब कुछ एक है वहाँ पर। वही मुद्दा भी है, वही सब कुछ है। उन्होंने जो बात की लोगों में उससे किसी तरह का कोई एग्रेशन पैदा नहीं हुआ। मंगलसूत्र की बात हुई, प्रॉपर्टी की बात हुई, मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात हुई, आमतौर पर लोग मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं मगर इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिकॉर्ड पढ़ा गया है। लोगों ने जब साहिब की तरफ से ये बयान सुने कि कांग्रेस पार्टी SC ST का आरक्षण खत्म करके और मुसलमानों को दे देगी, उसके बाद लोगों ने मैनिफेस्टो कांग्रेस का डाउनलोड किया और उसको पढ़ाया, तो ये पढ़ने वालों की और डाउनलोड करने वालों की रिकॉर्ड तादाद है। इतना इससे पहले कभी नहीं लोगों ने मैनिफेस्टो को पढ़ा था। अब जब उस मैनिफेस्टो को देखा गया तो उसमें कहीं इस तरह की कोई बात धर्म की, जाति की, वर्ग की कोई नहीं थी।
किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है। वहाँ महिलाओं को 1,00,000 रुपये, परिवार की एक महिला को 1,00,000 रुपये देने की बात थी, नौजवानों को नौकरियां देने की बात है। कुल मिलाकर के जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अहम मुद्दे थे वो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही है, एनडीए गठबंधन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। 10 साल की जो उनकी सरकार रही है उसमें वो अपनी उपलब्धियां लेकर के नहीं जा रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे हैं कि हमने देखें इतने काम किए थे और आप हमें इसलिए वोट दे दें और ये काम अभी करना बाकी है, इनको हम पूरा करना चाहते हैं। एक और वीडियो है, वो देख करके आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। रूबी अरुण बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये पोस्ट किया हुआ है एक्स पर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं कहीं मंच से खड़े होकर के और लोगों से कह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, उनको उनकी देखभाल उनके परिवार को उनके बच्चों को नहीं करनी पड़ेगी, उनका ये बेटा यानी नरेंद्र मोदी उनकी देखभाल करेगा। 70 साल के बुज़ुर्ग माँ बाप की सेवा उनका 73 साल का बेटा करेगा। 17 साल के नौजवान को आप अग्निवीर बनाने की बात कर रहे हैं, 21 साल में रिटायर करके उसको घर पर बैठाने की बात कर रहे हैं और 73 साल में आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राजनीति में लोग कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते किसी भी तरह से। अब वोट तो जो डल रहे हैं वो सबको समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता समझ गई है। जनता तक ये जो हमने बताया अभी आपको संविधान बदलने की बात वो पहुंच चुकी है। नीचे से ऊपर तक लोगों में इस बात को लेकर के बेचैनी है कि यह 400 पार की जो बात कर रहे हैं वो संविधान बदलने के लिए हो रही है। कई बड़े लीडर्स ने ऐसा बयान दिया, अनंत कुमार हेगड़े ने पहली बार बोला, मेरठ के उम्मीदवार अरुण गोविल ने, वो नेता नहीं है मगर फिर भी उन्होंने अभिनेता हैं, बहुत तजुर्बा है, फिर भी उन्होंने संविधान बदलने जैसी बात दोहराई। अयोध्या से जो सांसद हैं उन्होंने इस पर, उनका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि 400 पार सीटें इसलिए चाहिए संविधान बदलना है, 2/3 बहुमत होगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। साक्षी महाराज ने 2019 के चुनाव में कहा था कि आप मोदी को जिताएं और इसके बाद चुनाव नहीं होगा, तो 2024 के चुनाव में दोनों बातें हैं, संविधान बदलने की भी और इसके बाद चुनाव न होने की भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत सारे लीडर्स इस बात को कह चुके हैं कि इस चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे, जो होंगे वो एक सांकेतिक चुनाव की तरह, जिस तरह से रूस में चुनाव होते हैं या पड़ोसी मुल्क चाइना में चुनाव होते हैं, वो उस तरह के इलेक्शन हुआ करेंगे। एक देश एक राष्ट्र की बात हो रही है, एक चुनाव एक राष्ट्र की बात हो रही है, तो फिर पूरे मुल्क में एक साथ एक बार में चुनाव होगा, 880 सीटों पर चुनाव होगा और बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी जो चुनाव हो चुके हैं 190 सीटों पर, उसके जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा आगे बढ़त बनाए हुए है। अब जो 7 मई को इलेक्शन होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश की हम सिर्फ बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने, ये 10 सीटें हैं बरेली, आंवला, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस और संभल। बदायूं सीट पर शिवपाल यादव के बेटे उम्मीदवार हैं,
समाजवादी पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका है ये, यहाँ से उनको भारी एडवांटेज है। संभल में शफीकुर्रहमान भट्ट साहब के बेटे पोते ग्रैंडसन जिया रहमान उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। शफीकुर्रहमान भट्ट साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ है, सिंपैथी वेव है वहाँ पर, और ये ट्रेडिशनल इलाका है समाजवादी पार्टी का, वेरी स्ट्रांग होल्ड यहाँ पर हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का। ये चुनाव संभल का एक तरफा चुनाव माना जाएगा। बरेली में समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, वो कांग्रेस के सांसद थे, उनको टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार के सांसद गंगवार साहब का टिकट वहाँ से काट दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है उसके अंदर बड़ी निराशा है इस बात को लेकर के कि संतोष गंगवार का टिकट वहाँ से काटा गया। कुर्मी वोट बहुत ज़्यादा है बरेली की सीट पर, यहाँ पर फाइट होगी, नेक टू नेक फाइट होगी। एक और सीट की हम बात करेंगे, मैनपुरी। मैनपुरी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट है, माननीय मुलायम सिंह जब थे वो यहाँ से जीता करते थे, अब इस बार डिंपल यादव वहाँ से चुनाव मैदान में हैं, उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं मूल रूप से, तो उनके ऊपर एक ठप्पा ये लग गया कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं। और फिर मुलायम सिंह के गढ़ में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कोई परेशानी वहाँ नहीं होनी चाहिए। एक और सीट डिस्कस करेंगे, वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की सीट, ये सीट भी समाजवादी पार्टी की अपनी सीटों में से है। यहाँ से यादव परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार यहाँ से शिवपाल यादव भी चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े हुए थे वो, और उस वक्त समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार फिरोजाबाद में हार गया था, क्योंकि बहुत ही मजबूत होल्ड है शिवपाल यादव का फिरोजाबाद के अंदर। तो जाहिर सी बात है उस वक्त शिवपाल यादव को वोट मिलना था, अब वो वोट समाजवादी पार्टी का बिखरेगा नहीं, एक तरफा वोट सपा के उम्मीदवार के साथ होगा। जो एक बहुत अहम सीट है वो है फतेहपुर सीकरी की सीट पर, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, आरएलडी की सीट रही है, जाट वोट बहुत ज़्यादा है, भरतपुर से लगा हुआ फतेहपुर सीकरी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, 2 या 3 बार विधायक रहे, आरएलडी से भी वो लीडर थे, आरएलडी के विधायक रहे थे फतेहपुर सीकरी से। उनके बेटे निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव मैदान में है, वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो पूर्व सांसद के बेटे ने, उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, कोई राय है, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इनसे पर्चा वापस कराने के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े लीडर्स हैं सब ने खूब मनाने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकामी मिली। दिल्ली के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, पर्चा वापस कराने के लिए हर तरह की बात हुई, लेकिन वो नहीं माने, और वो उम्मीदवार अभी मैदान में मौजूद है। वो जाति से जाट हैं, जाट बहुल सीट है फतेहपुर सीकरी, 4.5 लाख से ज़्यादा जाट वोट फतेहपुर में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान होगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीटें, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद है,
और यहाँ पर मुकाबला, कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और कोई इसमें हैरानी न हो कि अगर फतेहपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाए। आगरा में बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा है, हाथरस में बहुजन समाज पार्टी के पास उम्मीदवार बहुत अच्छा है, कोई वाल्मीकि उम्मीदवार है वहाँ से, और एससी एसटी ओबीसी वोट बहुत ज़्यादा है हाथरस की सीट पर। तो ये जो 10 सीटों पर चुनाव 7 मई को होंगे उत्तर प्रदेश में, ये हम उसका थोड़ा सा आपको बता रहे थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पूरा बड़े सीन पर। कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें हासिल कर चुकी थी 2014 और 2019 में, जैसे राजस्थान की 25 सीटें, 14 में भी उन्होंने 25 सीट जीती और 19 के चुनाव में भी 25 सीट जीते। अब 26 सीट तो नहीं जीत सकते वहाँ पर। राजस्थान के 25 के 25 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आधे के करीब में पहुँच जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 28 में से 27 सीटें जीती थी पिछले बार, इस बार कम होगी। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की जानकारियां हैं। अब बचते हैं, हिंदी बेल्ट से अगर हम बाहर निकलें तो गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात में एक तरफा मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को तमाम सीटें मिल जाती हैं, तो जो नुकसान मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो जाएगा उसकी भरपाई कहीं से भी नहीं हो पा रही है। उधर जब साउथ इंडिया को हम देखते हैं तो साउथ इंडिया में केरल, वहाँ खाता खुलना भी नामुमकिन है। आंध्र प्रदेश खाता खुलना नामुमकिन है। तमिलनाडु खाता खुलना नामुमकिन है। कर्नाटक में कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। तेलंगाना में इस वक्त सरकार चल रही है कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की, तो वहाँ बीआरएस से एक बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है कांग्रेस इंडिया गठबंधन का। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीटें तेलंगाना में मिलने की उम्मीद की जा सकती है। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। एक और खबर है, वो एक कैलकुलेशन है ना कि खबर है, कि चुनाव बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, वो इंडिया गठबंधन में वापस आ जाएंगे। वो एक स्ट्रेटजी के तहत अलग हुए, इस पर हम डिस्कस करेंगे चुनाव के बाद, अगर हमारी ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है, सच साबित हो जाती है कि वो इंडिया गठबंधन में वापस आ गए। ये चुनाव के नतीजे 4 जून को आने के बाद अगले 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं कि बिहार में नई सरकार फिर से गठन हो, महागठबंधन की सरकार, और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आपको नज़र आए। ये हमारे पास हमारे कैलकुलेशंस हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये हम आपको क्लियर किए देते हैं। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स परेशान हैं, उनकी लैंग्वेज ख़राब हो गई है। जैसा अभी हमने सुनाया सूचना एवं प्रसारण मंत्री को, इसी तरह की बातें आप पूरे चुनाव में देखने को मिलेंगे। उनका टारगेट होगा मुस्लिम कम्युनिटी, तो हम फिर से कहेंगे लोगों से किसी की बातों में ना आए। मुसलमान भारत के नागरिक हैं, इस देश से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं, इसी तरह से जान देते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं जैसे बाकी भारत के और नागरिक।
उसी तरह से देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं जैसे बाकी और लोग। लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले मुसलमानों को दुश्मन की तरह पेश करते हैं तो वो उनके राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, राजनीतिक मकसद होते हैं। तो आप ऐसे लोगों की बातों में कोई भी ना आए। भारत सभी लोगों का देश है, हर धर्म के लोगों का देश है, हर वर्ग के, हर जाति के लोगों का देश है। ये हमारा अपना मुल्क है और अपनी चीज़ से हर एक को मोहब्बत हुआ करती है। तो आप कोई भी जो नफरत की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, डराते हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जो अहम चीज़ें हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, की जो बात करेगा, जो इसको देने के वादे करेगा, जो इनको देने के लिए तैयार होगा, जनता उनकी तरफ हमेशा जाती है। मुद्दा विहीन चुनाव था तकरीबन ये, लेकिन संविधान की बात करके हम फिर से उसी पर लौट रहे हैं, संविधान पर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं। मोहन भागवत का भी आज बयान आया है, लेकिन इनकी बात पर भरोसा कैसे कर सकता है कोई। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है, बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा और वो ढा दी जाती है। अदालत के अंदर जब झूठ बोल सकते हैं तो कहीं भी झूठ बोल सकते हैं। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात थी, उस पर बात करने को कभी तैयार नहीं होते। विकास की बात थी, अब तो विकास नाम पूरे इलेक्शन में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। कोई स्मार्ट सिटी की बात करते हुए आपको दिखाई नहीं देगा कहीं भी। एक और जानकारी आपको दे दें, यहाँ पर 26 अप्रैल को अलीगढ़ में चुनाव हुए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सतीश गौतम, वो तीसरी बार उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। उनके खिलाफ क्योंकि अब चुनाव हो चुका है तो बात की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, पार्टी के अंदर बहुत विरोध देखने को मिला, यहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर, हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह, उनके पैतृक गांव मढ़ौली में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं डलवाए, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कल्याण सिंह के गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं डलवाए गए, उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध में हमने वोट नहीं दिए। कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं राजवीर सिंह, राजू भैया, वो एक जेंटलमैन है, पॉलिटिक्स में इस तरह के कम लोग होते हैं, एटा से सांसद हैं। कल्याण सिंह के पौत्र हैं, वो भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। ये जो अब किसे देखने को मिला है, हम राजवीर सिंह राजू की थोड़ी सी बात कर रहे थे। अलीगढ़ में जो भी कुछ चीज़ें तय होती हैं, प्रत्याशी कौन होगा, कौन किस पद पर होगा, वो राजवीर सिंह राजू का उसमें बड़ा दखल रहता है। पार्टी में इस बार अंदर खाने बड़ा खींचतान रही है बीजेपी के अंदर, क्योंकि सतीश गौतम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उम्मीदवार थे,
सतीश गौतम के खिलाफ पार्टी का कैडर, पार्टी का वोटर, हिंदू समाज का बड़ा वर्ग, खास तौर से व्यापारी वर्ग उनसे बड़ा नाराज था। तो कल्याण सिंह के अपने निजी गांव में जहां वो पैदा हुए थे, राजवीर सिंह के अपने निजी गांव में भी इंडिया गठबंधन को वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख ने, जो ब्लॉक का प्रमुख होता है, उसने डलवाई। ये बदलाव की तरफ संकेत हैं कि चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं। लोग परेशान हैं, ऊब तो चुके ही हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि रोज़गार नहीं है उनके पास। नौजवान सड़कों पर, होटलों पर इधर उधर अपना वक्त ख़राब करते हैं, काम नहीं है उनके पास। जो पढ़े लिखे हैं उनको, अपनी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, उनके लिए कोई कहीं कोई जगह नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तैयार हैं लेकिन नौकरी नहीं है। तो लोग इस बार जो चुनाव कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वो अपने लिए वोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि पार्टी कौन है, उम्मीदवार कौन है। वो ये देख रहे हैं कि हमारी बातें या हमारे काम कौन आने वाला है, संविधान को कौन बचाने वाला है, लोकतंत्र को कौन बचाने वाला है, देश की रक्षा कौन करेगा, संसद की रक्षा कौन करेगा, चीन से मुकाबला कौन कर सकता है। लद्दाख में चीन बैठा हुआ है, आप बाहर नहीं कर पाए। सबको मालूम है कोरोना के वक्त आपने क्या हल किया था, लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और लोग गुजरात से पैदल चल दिए उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल के लिए। 1600 और 1800 किलोमीटर अपने बच्चों को लेकर के पैदल चल रहे हैं। कोई बंदोबस्त नहीं, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। जो दिल चाहता है ऐलान कर दिया था, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे, बिना देखे सोचे समझे। तो ये तानाशाही रवैया होता है और तानाशाही रवैये से लोग समझ चुके हैं कि आगे जो आने वाली है वो बहुत खतरनाक, बहुत भयानक वाली तानाशाही आएगी अगर यहीं पर चीज़ों को नहीं रोका गया। 4 जून को जो गिनती होगी चुनाव आयोग का, उसमें बहुत अहम रोल होगा। उम्मीद है कि चुनाव आयोग हवा का रुख पढ़ सकेगा। गिनती जो होगी वो ईमानदारी से होगी, उम्मीद कर सकते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर ये निर्भर होगा कि ईमानदारी से तमाम नतीजों के ऐलान हों। आप लोग अपना वोट ज़रूर करें, अपने लिए वोट करें, अपने देश के लिए वोट करें और किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में बिल्कुल ना आए जो आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर बांटने की कोशिश करे, लड़ाने की कोशिश करे। क्योंकि हारने वाले वो अपना संतुलन खो देते हैं, वो क्या कह रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, उनको खुद पता नहीं होता। शुक्रिया आप सभी का।